तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। और गाइस, मेरा नाम है मनोज। और दोस्तों, आज है संडे और आज जैसे पता ही आप लोगों को कि चंडीगढ़ में कितनी गर्मी है, इसलिए मैं हिमाचल जा रहा हूँ सोलन। बट डेस्टिनेशन का कोई पता नहीं है अभी, कहाँ पे जाऊँगा। तो अभी जा रहा हूँ, कुछ एडवेंचर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी मैं इस टाइम खड़ा हूँ ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे चंडीगढ़ में। तो चलते हैं और करते हैं कुछ आगे एडवेंचर। तो गाइज, मैं चौक पे पहुंच चुका हूं। यहां पे एक चौक आता है जो कि चंडीगढ़, शिमला और दिल्ली के लिए रोड निकलता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। तो गाइज, खाना मैंने खा लिया है, भूख लग पड़ी थी। तो वो पीछे आपको ये स्टॉल दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, मैं इस टाइम कसौली की तरफ घुमाऊँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आगे जाना थोड़ा सा, तो 3 बज चुके हैं, तो यहीं पे घूम रहा हूँ, व्यू दिखाता हूँ आपको। 3 लोकेशन पे जाएंगे, एक तो जो कसौली माल रोड पे जो चर्च है वो देखेंगे, उसके बाद हम सनसेट पॉइंट जाएंगे, और थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा सुसाइड पॉइंट। और सुसाइड पॉइंट पे कोशिश करेंगे कि हम कुछ बनाएं, खाएं पिएं वहाँ पे। तो आज चाय का भी पूरा सामान है, मैगी है, तो कोशिश रहेगी, तो जुड़िए रहिए। तो गाइज, ये है कसौली का चर्च जो कि कसौली के माल रोड पे ये बना हुआ है। और ये चर्च अंग्रेज़ों के टाइम का है, और इस चर्च को चर्च ऑफ इंग्लैंड भी हम लोग कह सकते हैं। ये चर्च कसौली की हसीन वादियों में 26 अक्टूबर 1844 से 1853 के बीच में बनवाया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इस चर्च को बनवाने में उस टाइम 18,300 रुपये का खर्चा आया था। ये है साइड का व्यू, और ये रहा चर्च। और ये चर्च उस समय ब्रिटिश काल का सबसे बेहतरीन चर्च माना जाता था। पत्थरों को काट काट कर उन पे कलाकारी करके उसके बाद लकड़ी के बेजोड़ नमूने से इस चर्च को तैयार किया गया है। चर्च में लगी प्रभु यीशु मसीह की स्टेन ग्लास की पेंटिंग उसी समय इंग्लैंड से लाई गई थी, और चर्च के अंदर लगा फर्नीचर भी उसी टाइम का है जो आज भी काफ़ी अच्छी हालत में है। और दोस्तों, इस चर्च के टावर पे लगी पेंडुलम घड़ी इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लाई गई थी। तो गाइस, ये है सनवॉच जो कि सनलाइट की हेल्प से ये टाइम दिखाती थी। ये जो बीच वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये जब सूरज की लाइट इस पे पड़ती है तो ये जो इसकी शैडो बनती है, तो शैडो की हेल्प से टाइम का अनुमान लगाया जाता था। और गाइज, इस चर्च का संबंध 1857 की क्रांति से भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 20 अप्रैल 1857 को कसौली में हुई क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ऐसा माना जाता है कि जब कसौली में क्रांति हुई तो उस समय कसौली की नसीरी बटालियन ने अंग्रेजों पर हमला किया और उनका जो खजाना था वो लूटा। और ऐसा माना जाता है कि उस लूटे हुए खजाने को चर्च के पास ही कहीं पे दफनाया गया था। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको चर्च दिखा दिया और अब हम आगे जाएंगे सुसाइड पॉइंट और सनसेट पॉइंट की तरफ। तो सनसेट पॉइंट और सुसाइड पॉइंट दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। कोई वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में कहीं कोई नई लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।